एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। जी हाँ, ये पंक्तियां कही जाती हैं जैन धर्म के शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के लिए, जहां का कण कण पवित्र माना जाता है। जैन समाज द्वारा सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए निरंतर आवाजें बुलंद की जा रही हैं, और क्यों ना हो, जब भी किसी के अस्तित्व पर संकट आता है तो बचाव की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक होती है। नमस्कार, मेरा नाम नीरू जैन है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के डिबेट शो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए। इस वर्ष जनवरी माह में जिस प्रकार की गतिविधियां, जिस प्रकार की हरकतें अजैन लोगों के द्वारा सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर की गई, उससे जैन समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया है। उस क्षेत्र की पवित्रता को, उस क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी जैन लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी उतनी ही है जो लोग वहां पर जाते हैं। पिछले अनेक समय से सम्मेद शिखर जी से अवांछित खबरें निरंतर आती रही हैं। जानते हैं असल मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा, जी हाँ, सम्मेद शिखर जी को, जिसको शाश्वत तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार की अनुशंसा पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग, ध्यान दीजिए कि हमारे सम्मेद शिखर जी पहाड़ को वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर दिया गया है। यानी वहां पर अब सभी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं जिनका जैन समाज विरोध करता है। पारसनाथ हिल और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर वहां पर गैर धार्मिक गतिविधियों और पर्यटन की अनुमति क्यों दी जा रही है। आज जैन समाज की मांग है कि हमारे तीर्थंकर और जहां से इतने संत मोक्ष गए हैं, उस पारसनाथ पर्वत की पवित्रता और उसकी मूल पहचान को नष्ट करने का प्रयास ना किया जाए। हम अपने इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। इससे पूर्व उन मेहमानों का परिचय। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन जी, जिन्होंने संथारा माइनॉरिटी और एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म के लिए बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री हर्ष सुराना जी, जो कि एडवोकेट हैं और पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है। हमारे पैनल में आज हैं श्री अमित राय जैन जी, जो कि शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले संजय जी की तरफ चलते हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये गजट क्या है, क्या है ये नोटिफिकेशन जिसमें जैन समाज की धार्मिक भावनाओं की अवहेलना की गई है। देखिए, गजट से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको विदित है कि गत मकर संक्रांति से अगले दिन हमारे श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत राज पर कुछ लोग चढ़ते हैं, हजारों लोग चढ़ते हैं, और हमारी जो टॉक्स, पावन टॉक्स हैं, जहाँ का कनकन पूजनीय है, हमारे 20 जैन तीर्थंकर और अनंतानंद संत मोक्ष गए, वो लोग वहां पर जाकर जूते लेकर चढ़ते हैं और कोई प्रोटोकॉल की पालन नहीं किया जाता है। जबकि हमारी भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटियों द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को निवेदन किया गया था कि वहां पर वो चेक पोस्ट बनाए और उसको जो भी उसकी पवित्रता को हम किस तरह से मेंटेन करें उसके लिए कहा गया था, लेकिन वहां पर कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। अभी 17 मार्च को हम कुछ कार्य कर रहे थे और हमने ये 27 जनवरी को सरकार को भी नोटिस दिया था कि कृपया आप जो है हमारे श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर, जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच होती है, चेक पोस्ट बनाई गई होती है, स्कैनर्स लगे होते हैं, सीआरपीएफ के पर्सनल्स होते हैं, आप कृपया हमारे इस पर्वत राज पर भी वही सुविधा उपलब्ध कराएं। और सबसे बड़ी मांग थी कि वहां पर जो भी यात्री ऊपर जाता है पर्वत राज पर, उसका पंजीकरण होना बहुत आवश्यक है, ताकि घर बैठकर भी आदमी पंजीकरण कराए और क्या कितनी लोग कल जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से वहां पर पहाड़ पर जाएं। लेकिन वो आज 27 जनवरी को हमने सरकार को, हमारे भारत सरकार के जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को हमने नोटिस दिया और हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को निवेदन किया कि कृपया आप जो हैं हमारे पर्वत राज पर कम से कम 50 सीआरपीएफ पर्सनल्स और स्थानीय जो पुलिस है उसकी रिक्रूट करें। इस व्यवस्था में हम लोग अपने जैन समाज की, विश्व जैन संगठन की ओर से कम 100 वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतिदिन वहां पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि आने वाले हम जो भी लोग जैन अजैन जो भी बंधु हैं उनका सहयोग करें, उनसे निवेदन करें कि वो कृपया इस पहाड़ पर हमारी जो पवित्रता है उसको मेंटेन रखें। लेकिन 27 जनवरी के बाद आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और वो इधर से उधर चिट्ठियां हमारी भेजी जा रही हैं, जो कि बहुत दुखद है। अभी गत 17 मार्च 2022 को
होली से पहले दिन हम कुछ कार्य कर रहे थे तो ये कि गजट नोटिफिकेशन हमें मिलता है। और ये गजट नोटिफिकेशन क्या है, ये गजट नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, 21 फरवरी 2018 को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार की अनुशंसा पर हमारे वन मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि ये पारसनाथ हिल जो 49 किलोमीटर का रेडियस है इसको पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसके एक भाग में जैनों का तीर्थ माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो सरकारी प्रक्रिया होती है किसी भी गजट को निकालने के लिए, पहले वो 60 दिन के लिए आम जनता को पब्लिश किया जाता है जिसके अंदर वो दो न्यूज़पेपर्स और एक स्थानीय जो भाषा होती है उसमें वो पब्लिश किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि आरटीआई के अंदर हमें लिखित में वन मंत्रालय ने ही बताया है कि किसी भी अखबार में ये पब्लिश नहीं किया गया, ये केवल वन मंत्रालय की वेबसाइट पर इसको पब्लिश किया गया, जो लगता है कि बहुत बड़ी एक साजिश है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो आपने अखबारों में पब्लिश क्यों नहीं किया। आपने हमारी स्थानीय जो वहाँ पर हमारी 100 वर्षों से जैन संस्थाएं कार्य कर रही हैं मधुबन क्षेत्र में, आपने उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाए, जबकि पूरा प्रशासन हमारी पूरी कमेटियों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक साजिश है। अब इसके बाद ये 2 अगस्त 2019 को एक ये फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। गजट के अंदर क्या गजट है मैं आपको बताना चाहूँगा। इस गजट के अंदर वो लिखते हैं कि इस वन्य जीव अभयारण्य के एक भाग में जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। हमारी जो विरोध है वहीं से शुरू होता है। सबसे पहली बात तो आपने उस पर्वत राज को क्यों वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित किया। अरे वन्य जीव अभयारण्य के अंदर तीर्थ क्षेत्र नहीं होता है, तीर्थ क्षेत्र के अंदर वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है, क्योंकि जैन समाज हमेशा से इस तरह की व्यवस्थाएं करता है कि पशुओं को संरक्षण हो, लेकिन आपने तो एक जानवरों के बीच में हमारे तीर्थ को घोषित कर उसकी स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व को मिटाने का 100% प्रयास किया है। आपने वहां पर उस गजट में यह नहीं लिखा कि श्री सम्मेश शिखर शब्द जो कि प्रमाणिक है, अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश राज में जितने गजट जितने नोटिफिकेशन हैं जो भी उन्होंने पब्लिश किया है मटेरियल प्रमाणिक रूप से उसमें सम्मेश शिखर शब्द आता है और भगवान पारसनाथ के समय से इस हिल का नाम पारसनाथ हिल पड़ा। आपने उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर यह क्यों नहीं लिखा कि श्री सम्मेश शिखर है, 20 जैन तीर्थंकरों की मौख्य स्थली है। आपने लिखा माना जाता है, हमारा विरोध ये बहुत जबरदस्त है क्योंकि माना जाता है कोई शब्द नहीं है, सिचुएटेड है। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है इसी प्रकार से श्री सम्मेश शिखर में 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है, अनादि काल से है और यह हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आपने यही विषय को यही समाप्त नहीं किया, आपने इसके अंदर वो चीजों को रेगुलेट करने एज पर ला लिख दिया जो चीजें उस क्षेत्र पर हो ही नहीं सकती कभी भी। आप लिखते हैं कि वहां पर जो लोग मांस मछली या जो पोल्ट्री फार्म्स का कार्य करते हैं आप उसको रेगुलेट एज पर ला करेंगे। अरे जिस धर्म का बेस ही अहिंसा पर निर्भर हो, अहिंसा धर्म ही जैन धर्म हो, उस पर्वत राज पर आप इस तरह की गतिविधियां कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो 2018-19 में जो तत्कालीन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी थे, उनका विचार था कि झारखंड के अंदर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, उनको किसी तरह से पर्यटन स्थल घोषित कराया जाए और वहां पर जो है इको टूरिज्म जो पर्यावरण पर्यटन के रूप में विदेशों से जो लोग आते हैं जो रात को वहां पर रुकते हैं, टेंट लगाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वो उनकी व्यवस्था थी हमारे पर्वत राज पर बनाने की। वो न्यूज़पेपर्स हमारे पास सारे प्रमाण हैं जिसमें वो चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें वो सरकार और जो हमारे व्यापारी हैं उन लोगों को वहां पर लाएं। और उस इस वजह से जो हमारे स्थानीय वहां के आदिवासी भाई हैं जो हजारों साल वहां पर रहते हैं, जो जैन समाज के लिए जैन समाज के वजह से जिनके घर चलते हैं, आप उनके पेट पर लात मारने का आपने प्रयास किया। आप वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, आप सड़कें वहां पर नहीं बनाएंगे, आप रात को गाड़ियां चलाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे वहां पर। हमारे पर्वत राज पर हम लोग सुबह चढ़ते हैं और दोपहर में वापिस आ जाते हैं। अरे आप वहां पर रात को 10 बजे के सुबह को 10 बजे के बाद जाने क्यों दिया जाता है, क्यों जाने दिया जाएगा वहां लोगों को। नहीं नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये सकल जैन समाज को स्वीकार नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी इस गजट नोटिफिकेशन में हमने 17 मार्च 2022 को 22 को ही हमने ये हमने विरोध हमारा ये इसमें लेटर है जिसके अंदर पूरी जो इन्होंने गजट में जारी किया है उसके विरोध स्वरूप हमने ये माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वन मंत्रालय, वन मंत्री जी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को ही हमने नोटिस भेजा कि आपको आप इस अविलंब इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करें।
या फिर आपने अगर इसमें अमेंड भी करना है तो हमारे जैन समाज की जो शीर्ष संस्थाएं मधुबन में सैकड़ों वर्षों से कार्यरत हैं, आप उनकी उनको बुलाएं और समाज से जो भी सलाह कहे उसके हिसाब से पब्लिश करें। इस बात को मैं आपको बताऊं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से हमें चिट्ठी मिली, हमारी जो कंप्लेंट थी, उन्होंने इसको इस गजट नोटिफिकेशन को माना कि यह इफेक्ट करेगा जैन समाज की, जैन धर्म की सर्वोच्च तीर्थ को इफेक्ट, उसकी प्राचीन स्वतंत्रता और स्वतंत्र पहचान को प्रभावित करने वाला माना। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अभी फर्दर स्टेप ना लें। और झारखंड सरकार को भी उन्होंने लिखा है कि आप जो है जिस प्रकार से हमारी शिकायत थी, किस प्रकार से वहां पर प्रोटोकॉल नहीं है, उस विषय में उन्होंने संज्ञान लेने के लिए लिखा है। और हमें आशा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमारी इस बात को, सकल जैन समाज की बात को, अल्पसंख्यक जैन समाज की बात को, अहिंसक जैन समाज की बात को मानेगा। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, ये पारसनाथ हिल एक बीच में छोटी सी जगह बना दी है, और आपने इको सेंचुरी जोन में इस गजट के अंदर जो स्पेसिफिकली गांव का आपने कुछ विलेजेस को लिया है, आपके दो कोऑर्डिनेट्स हमें ऑब्जेक्शनेबल हैं, क्योंकि उसमें पारसनाथ हिल और मधुबन दोनों क्षेत्र के कोऑर्डिनेट्स आपने दिए हुए हैं। अगर वो दोनों उसमें नहीं होते तो हमारा इतना विरोध नहीं होता, क्योंकि आपने इको सेंसिटिव जोन में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी, उसमें 8 लोगों को आपने ले लिया, लेकिन उसमें जैन समाज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप कहते हैं कि एक मास्टर जो है टूरिज्म मास्टर प्लान बनाएंगे। हमारे जो हमारे माननीय सीपी चौधरी साहब जो गिरिडीह के सांसद हैं, वो 2019 जुलाई में आप जो है संसद के अंदर कहते हैं कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल के अंदर सूचित किया जाए, आप कहते हैं कि वहां पर जो है एक टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अरे हो क्या रहा है हमारे हमारे सर्वोच्च जैन तीर्थ के साथ, क्या चाहते हैं हमारे जैन समाज से? सबसे अधिक टैक्स देने वाला, सबसे अधिक जीडीपी देने वाला जैन समाज आज अपने तीर्थ के संरक्षण के लिए परेशान है, चिंता है उसको आज, क्योंकि वो गिरनार जी में देख चुका है वो चीजें। तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है हमें, और हम सरकार को बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करेंगे। इस विषय में हमारे हम लोग 6 अप्रैल 2022 को माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले थे, लेकिन हमें कोई उनका जो किस प्रकार से उन्होंने आश्वस्त किया था, आज तक उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च 2022 को माननीय रेवती रमन सिंह जी ने राज्यसभा में भी माननीय हमारी गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि क्योंकि जैन समाज बहुत ही अहिंसक समाज है और मांस मदिरा से दूर रहता है, जिस प्रकार से आपने ये घोषणा जारी की है, आप इसको अविलंब रद्द करें। और मैं आपको बता दूं कि उनके साथ 6 और अन्य पार्टियों के सांसद ने जो कि जैन नहीं है, उनको भी जैन, क्योंकि जैन समाज हमेशा से सभी पार्टियों का सहयोग करता है और हमेशा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप कृपया इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करें। एडवोकेट हर्ष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब ये गजट तो पास हो गया है लेकिन ये गलत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर अभी ये गजट आया है तो सरकार के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास जो भी रिप्रेजेंटेशन जाते हैं तो उस पर वो उचित कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम समझे कि ये गजट जो आया है, जो अभी संजय जी ने बताया कि 2018 में आया और उसको फिर 2019 में उन्होंने फुल्ली पब्लिश किया है, तो इसमें दो आस्पेक्ट है, एक है टेक्निकल आस्पेक्ट और एक है लीगल आस्पेक्ट। मतलब लीगल के ही ये दो पार्ट हैं। टेक्निकल आस्पेक्ट, जैसा संजय जी ने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 60 दिन का अगर नोटिस है तो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होना चाहिए था, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ अपने एक वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिश कर दिया। और जो मेन स्टेक होल्डर हैं, आज मेन स्टेक होल्डर मतलब समय शिखर जी या पार्श्वनाथ या मधुवन जैन समाज से, और जो जैन समाज के मंदिर हैं, और जो एक वो एक बड़ी एक अच्छी टर्म है, सेंक्टम सेंक्टोरम, होलीएस्ट ऑफ होलीएस्ट। सो ये हमारा जो तीर्थ है, मतलब जितने भी जैन तीर्थ हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको माना जाता है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं उसमें से 20 जनों ने वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की है। मतलब अगर जैन रिलीजन में सबसे हिस्टोरिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई प्लेस है तो वो समय शिखर जी है। तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में डायलॉग, उनके साथ में एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी था। पहले जैन समाज से व्यूज़ लेने चाहिए थे कि हम किस तरीके से, ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक रिलीजियस स्पॉट है, तो हम उस रिलीजियस स्पॉट को रिलीजियस सेंटिटी बनाते हुए किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमें कोई टूरिस्ट प्लेस बनानी है। इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और उन चीज़ों को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट एक ये रिलीजियस टेम्पल है, इसको आपको रिलीजियस बनाना है, उसके साथ में जो टूरिज्म है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होएगा। बट ये नहीं कि आप इसको कोई साइट सीइंग का एक प्लेस बना के टूरिज्म में डेवलप करना चाहते हैं, वो तो कमर्शियल हो जाएगा और जो एक रिलीजियस वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं वापस उस पॉइंट पर आता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो फॉलो होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैन समाज के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो अपेक्स बॉडीज़ हैं उनसे डायलॉग में एंगेज करना पड़ेगा। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनका व्यूज लेना पड़ेगा और एक पूरी इस तरह की एक कमेटी बना के और फिर इस पर डिस्कशन कि हम किस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं एज ए रिलीजियस प्लेस। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंड, इसी को फॉलो करते हुए एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि भाई किसी को सुना है आपने या नहीं सुना है, यहाँ आपने बिना कम्युनिटी को सुना जिसकी ये चीज़ है और जो उस जगह की जो सारी इम्पोर्टेंस है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहा है। सो गवर्नमेंट को पहले स्टेक होल्डर्स को और जैन कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा और उसके बाद में जो भी नीडेड चेंजेस हैं, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन विश्व जैन संगठन ने और दूसरे सारे समाज ने दिए हैं, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको वापस लेना चाहिए। बिकॉज बैटल तीन तरीके से हो सकती है, सोशल बैटल, पॉलिटिकल बैटल एंड लीगल बैटल। सो यहाँ पे अभी ये है कि एक पॉलिटिकल नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसको सोशल लेवल पे स्टेक होल्डर्स से एंगेज करके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में भी अगर वो नहीं करती है सरकार तो फिर हम लीगल रूट में जा सकते हैं। अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप तो पुरातत्व विभाग में हैं, झारखंड सरकार अगर उस क्षेत्र को डेवलप करना चाहती है तो करने दीजिए, जैनों को उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, जो मुद्दा है, मुद्दा अगर झारखंड सरकार उस स्थान की पवित्रता को देखते हुए, ऐतिहासिकता को देखते हुए डेवलप करना चाहती है, तो मुद्दा ये नहीं है कि डेवलप ना होने दिया जाए। जैन समाज की सर्वाधिक आस्था का, श्रद्धा का जो केंद्र है वो शिखर जी समेत शिखर है, और जैसा संजय जी ने, हर्ष जी ने अभी अपने विचार रखे हैं उसमें पता चलता है, उन्होंने जानकारी दी है कि जैन धर्म के पवित्रतम तीर्थ को लेकर के जो जैन समाज की चिंता है, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन सरकार की मनसा के साथ साथ उसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी संदेह से परे होनी चाहिए। अगर आज जैन समाज चिंतित है इस सरकार के कार्यकाल में, तो उन्हें उस चिंता को दूर करना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन की बात आ रही है कि उन्होंने बिना किसी कार्य योजना के जो एक स्थापित विधि है, यानी कि जो एक कानून है, टेक्निकल फोरम से अलग जाकर के उन्होंने अगर डायरेक्ट ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया है वन मंत्रालय ने और वन अभ्यारण्य के रूप में, तो मुझे लगता है कि उसे अविलंब उनको कैंसिल कर देना चाहिए। विशेष अधिकार मंत्रालय के पास, प्रधानमंत्री जी के पास हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में और अपने विशेष दिनों में जैन समाज की धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र करते रहे हैं। मिच्छामि दुक्कड़म जैसे शब्दों को उन्होंने संसद में कई बार बड़ा स्थापित किया है आम लोगों के अंदर। तो मुझे लगता है कि संजय जी ने जो मुहिम चलाई है शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, तो वो बहुत प्रेरणादायक भी है और उसको केंद्र सरकार को मानना चाहिए। आप जो सवाल मेरे से कर रही हैं कि अगर झारखंड सरकार चाहे, तो झारखंड सरकार का तो सौभाग्य है कि बिहार से जब राज्य अलग हुआ झारखंड, तो उसके पास दिखाने को, बताने को क्या था? सबसे बड़ा तीर्थ झारखंड के पास बैजनाथ धाम, दूसरा शिखर जी जो समेत शिखर जैन समाज जो कि करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में है। आज पूरे विश्व में अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी महावीर जयंती बना रहे हैं, वहां दीपावली के दौरान वो कॉम्प्लीमेंट्स भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक का दे रहे हैं। तो आज भारत को और झारखंड सरकार को जो हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि हैं उन लोगों के साथ मिलकर के बैठ करके ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि जैन समाज को भी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जन कल्याण के वहाँ चल रहे हैं। अभी मुनि प्रमाण सागर जी ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ डेवलप की हैं, वहाँ झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं उनके व्यापार से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं कि झारखंड सरकार उनके साथ कोरिलेट करे, ऐसे MOUs वहाँ साइन करे कि जो पिलग्रिमेज है, जैसे कि गुजरात में पालीताना को एक तीर्थ नगरी के रूप में वहाँ की सरकार ने माना है,
तो जो पवित्र नगरियां हैं वहां पर किसी तरह का शराब का सेवन नहीं होगा, वहां उसका व्यापार नहीं होगा, वहां का जो खान पान है वो अहिंसक होगा। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बनारस को और अयोध्या को तीर्थ स्थल घोषित किया। उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ उन्होंने शराब मांसाहार उसका व्यापार और उस तरह के जो काम है उन पर रोक लगा दी है। तो उसी तरह से झारखंड सरकार उसको डेवलप करे, उसको तीर्थ के रूप में घोषित करे और उसके चारों तरफ की सड़कों की इतनी अच्छी संरचना करे कि वहाँ पर आज अगर 10 से 20 लाख यात्री दर्शन करने के लिए वहाँ पर्यटन करने की दृष्टि से जा रहे हैं तो आने वाले समय में आम लोग भी जाएं। जैन समाज का मुझे नहीं लगता कि जैन लोग यानी कि जो नॉन जैन्स हैं उनके वहाँ जाने दर्शन करने से कोई आपत्ति है। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जैसे वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड बनाया गया है, उस तरह से राज्य सरकार वहाँ जैन समाज के साथ मिल करके कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे कि वहाँ जाने आने वाले लोगों का पूरा डेटा हो। वहाँ जाने से पहले अगर किसी को पहाड़ पर चढ़ना है तो उससे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो ताकि वहाँ की संख्या का भी पता चले। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ा भवन बनाया, सैकड़ों कमरों का भवन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से बहुत अच्छा भवन है। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ, उसका उद्घाटन किया है। उसी तरह से जब एक दूसरे राज्य में एक राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के लिए भवन बनाती है कि जो उत्तर प्रदेश के जाने वाले लोग हैं जो हरिद्वार दर्शन करने या गंगा स्नान के लिए जाएंगे वो वहाँ ठहरें और बहुत कम रेट पे ठहरें, प्राथमिकता वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों की है। उसी तरह से राज्य सरकारों को अलग अलग राज्य, क्योंकि वहाँ पे जैन समाज ने तो उत्तर प्रदेश भवन बनाया हुआ है और बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई है, तो वहाँ की राज्य सरकार को वहाँ तीर्थ यात्रा पे जैन समाज के या अजैन समाज के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करें। क्योंकि जहाँ तक वन्य जीव अभ्यारण्य का सवाल है, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर अगर वो बन जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे होटल रिजोर्ट उस तरह के होंगे, लोग वहाँ वाइल्ड लाइफ कवर करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए उस तरह के जो लोग हैं वो लोग आएंगे, वहाँ मांसाहार डेवलप होगा, वहाँ शराब और बियर की दुकानें खुलेंगी। तो जैन समाज की चिंता जायज है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जैन समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए और इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करेगी, उसके डेवलपमेंट के लिए वृहद कार्यक्रम कुछ बड़े योजनाओं के रूप में जिसके अंदर मल्टी मिनिस्टोरियल यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री मिलकर के काम करेंगी। जो अभी नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को इस मंत्रालय के साथ कोलोबरेट करके इस महान पवित्र तीर्थ तक जाने के सभी रास्तों को और वहाँ आसपास जैसे रेलवे ट्रैक है वहाँ जितने भी हाई क्लास अच्छी ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है, वो रुकनी चाहिए और इस नोटिफिकेशन को तुरंत उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि सम्मेद शिखर जी जहाँ तीर्थ आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है, वहीं हजारों लाखों ऐसे संदर्भ हैं लिटरेचर के अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर जो मिलते हैं। विविध तीर्थ कल्प 13th century का ग्रंथ है, उसके अंदर एक पूरा एक खंड है जिसके अंदर सम्मेद शिखर जो आचार्य ने यात्रा की वहाँ उस समय क्या चीज़ें सिचुएटेड थी। अब क्योंकि अगर शोधार्थी के रूप में देखते हैं, ऐतिहासिकता के तौर पे देखते हैं, तो उस तीर्थ की जो कार्य योजना है वो बहुत सारी मिनिस्ट्री को मिलके, केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलके, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जैन समाज के लोगों के साथ सरकार का कोलोबरेशन, उनके साथ बैठ करके इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। संजय जी, जैसे अभी अमित जी ने कहा कि आपने निरंतर इसके लिए मुहिम चला रखी है, आपने इतने प्रोटेस्ट किए हैं, इतनी सभाएं आप कर रहे हैं, तो इससे आपको सरकार से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सरकार को, सरकार हमारी चिट्ठियों को इधर से उधर फॉरवर्ड कर रही है। हमने जो अभी प्रोटेस्ट किया था 26 मार्च को, इनिशियल एक सांकेतिक प्रोटेस्ट किया था ताकि हम अपने समाज को, क्योंकि हम अपने संतों को, अपने समाज को और सरकार को भी जगाना है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है और पूरे समाज के संज्ञान में नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने समाज को भी बताना होगा कि हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति या संशय ना रहे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट, जिसकी आजकल पूरी चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, उसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल या जिस पुरातन स्थल की जो स्थिति है उसको बनाए के रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं
केंद्रीय वन मंत्रालय से या झारखंड सरकार से कि आपने जो ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 97 में माना था कि जो ये जैनों का जो टोंक एरिया है ये 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे पास लिखित में है। अगर वो 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक क्षेत्र है क्योंकि वहाँ पूजा होती है, जैन जाते हैं, तो आप इस तरह की गजट नोटिफिकेशन, एक आपने आपने मॉनिटरिंग कमेटी बना दी, वो कैसे वहाँ कार्य कर सकती है? उसके पास तो पावर नहीं हो सकती है। आप कहते हैं कि वो संरक्षण करेंगे, एज ए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है 12 लोगों का आपने, 12 का जो डिपार्टमेंट्स हैं आपने कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी, वो लोग एक प्लान बनाएंगे। हमने क्यों बनाएंगे प्लान? वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो जैन समाज अपने जो भी प्लान होंगे वो जैन कम्युनिटी बनाएंगे। तो जिस प्रकार से चिट्ठियां हमने भेजी, तो 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हमें सूचित किया गया कि हमारी जो याचिकाएं हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट यानी वन मंत्रालय को उन्होंने भेजी हैं। और मैं आपको बड़ा मतलब तज्जुब वाली बात बताऊंगा, हमारे वन मंत्रालय लिखते हैं कि जी हम इसमें फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। जारी किसने किया? वन मंत्रालय ने फाइनल नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो कि आपके पॉइंट नोट कर लिए गए हैं और हम इसे झारखंड सरकार को भेज रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है उस शख्स से, जिस शख्स ने हमें चिट्ठी लिखी है और जिसने हमें आरटीआई में भी उसी शख्स ने जवाब दिया है, उसी अधिकारी ने जवाब दिया है कि बिना 60 दिन के अंदर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया गया, केवल 60 दिन के लिए पोर्टल पर रखा गया। वो शख्स हमारी उस चिट्ठी को झारखंड सरकार को भेजता है, अरे वन मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अमेंड होना है, कोई भी अगर रद्द होना है तो उसकी पावर केवल केंद्रीय सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। हालांकि हमने राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, चीफ सेक्रेटरी झारखंड और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट की ब्रांचेस होती हैं स्टेट्स में, हमने उनको भी अपना नोटिस दिया हुआ है। तो ये चिट्ठियों को इधर से उधर करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार केवल बड़े बड़े आंदोलनों से सुनती है, लेकिन हम अहिंसक जैन समाज है, अपनी बात को अहिंसा के तरीके से रखेंगे। इस विषय में हमने सरकार को लिखा है कि 6 जून 2022 प्रातः 11 बजे से हम दिल्ली के जंतर मंतर सहित और राजघाट पर हम अनशन करेंगे और पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत होगी और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगा। किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं होगा, किसी नेता का कोई विरोध नहीं होगा, किसी विभाग का कोई विरोध नहीं होगा। हमारी एकमात्र मांग है 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत आनंद संतों की मोक्ष भूमि श्री सम्मेश शिखर जी के लिए जारी वो गजट नोटिफिकेशन जो 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया है उसको अविलंब रद्द करें। अगर जब तक वो नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, जैन समाज शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको विदित है कि आज गिरनार जी की क्या स्थिति है, 5वीं टोक पर हम आज पूजा नहीं कर सकते हैं, जबकि 15 अगस्त 1947 को वहां पर पूजा होती थी। हमारे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाणिक प्रमाण है जिसमें लिखा है कि वहां पर वो जो चरण चिन्ह है उसमें दिगंबर संत जो है वहां बैठे हैं और वहां पर एक घंटा लटका है। मेरे पास प्रमाणिक प्रमाण है ये, लेकिन आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो उस गिरनार जी को भी हमें वापस मिलना चाहिए। हर्ष जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी संजय जी ने कहा कि जैन समाज अहिंसक जैन समाज है तो उन्हें इजीली टारगेट कर लिया जाता है, तो अब जब ये गजट पास हो चुका है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडी है इसके लिए? हर्ष जी, जी एक इंग्लिश में कोट है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर आप कुछ सालों का पहले देखें एपिसोड की, जब संलेखना और संथारा का इशू जैन समाज के ऊपर आया था, तो पूरा जैन समाज संगठित हुआ था और एक सोशल मूवमेंट की तरह वो सारा प्रोग्रेस हुआ। और अल्टीमेटली अभी मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज मैटर सब ज्यूडिस है सुप्रीम कोर्ट में, बट उसका एक इफेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ये भी एक ऐसा मौका है कि यहाँ पूरा समाज संगठित हो सकता है, बिकॉज जैन्स एक रिलीजियस कम्युनिटी तो है ही, उसके साथ में अब 2014 से नेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटी है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि रिलीजन तो सबको राइट है बट माइनॉरिटी के स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। जैसा कि अब समाज अगर संगठित होता है और जिस तरीके से संजय जी और सब ने इनिशिएटिव लिया है कि जो माइनॉरिटी कमीशन है उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसमें जो जैन मेंबर हैं उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है और रिपोर्ट मांगी है गवर्नमेंट से कि इस बारे में आपका क्या कहना है, और उस रिप्लाई में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी एक हियरिंग करेंगे। सो एक बहुत अच्छा स्टेप है।
इसके अलावा बहुत सारे, अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल, सो लीगल में बिल्कुल इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि अगर इसको हम रिट पिटिशन में हाई कोर्ट में 226 में इस नोटिफिकेशन को कॉश के लिए जा सकते हैं। सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है और पूरे देश को इफेक्ट करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में भी जा सकते हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिलीजियस एज वेल एज माइनॉरिटी के राइट्स हैं, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30। आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट रिलीजन एंड 29-30 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी राइट्स। सो इन सब आर्टिकल्स के इन्फ्रिंजमेंट में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो वो हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है। बट जैसा कि अभी है कि एक मूवमेंट बन रहा है, अगर सोसाइटी का प्रेशर रहा, पूरे समाज का उसमें सहयोग रहा, यहाँ आज एक अगेन एक मौका है कि दो या सब्जेक्ट नहीं है मगर जो जैन समाज इतना कम पॉपुलेशन में है बट बहुत ही एफ्लुएंट और बहुत ही प्रोफेशनल है, सो वहाँ पे दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, स्थानकवासी, दूसरे पंथ, ये वो, तो ये मौका है समाज को कि आज संगठित होके उसको एक पूरे सामाजिक रूप इस मुहिम को दें, जो धरना, जो प्रदर्शन, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो करें। उसका बिल्कुल है ना गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर फिर भी नहीं मानती है तो बिल्कुल कोर्ट हम जा सकते हैं, हाई कोर्ट, ज़्यादा चांसेस हाई कोर्ट के हैं। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि ये नेशनल इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है और जहाँ पे इस नोटिफिकेशन को क्वाश किया जा सकता है। अमित जी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि जितने भी अलग अलग, जैसे उत्तराखंड सरकार ने या फिर और भी जगहों पर, वहाँ पर सरकार ने काफ़ी सुविधाएँ तीर्थयात्रियों के लिए डेवलप की हैं कि वहाँ पर जब भी कोई जाएगा तो उन्हें बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी, तो इस तरह झारखंड सरकार और क्या कर सकती है जिससे कि जैनों की भी जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो और डेवलपमेंट भी हो जाए? देखिए, तीर्थराज समेद शिखर का महत्व तो सारी दुनिया जानती है, विशेष तौर से जैन समाज का पवित्रतम तीर्थ है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। झारखंड सरकार को चाहिए कि जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठे और जो शमेद शिखर का संचालन करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे उसमें श्वेतांबर है, दिगंबर समुदाय की संस्थाएं हैं, उनके जो शीर्ष पदाधिकारी है उनका पैनल बने, उनसे ही पूछा जाए कि आप चाहते क्या हैं, किस प्रकार से हम आपका सहयोग करें। क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ की धार्मिक और रिलीजियस जो पिलग्रिमेज जो प्रॉपर्टी है उसको संभालने वाले लोग संतुष्ट रहें और वो कम्युनिटी जो आम जनता है जैन समाज की, उनकी आस्था भी बरकरार रहे। क्योंकि पूरे देश विदेश से जाने आने वाले जो वहाँ जैन समाज के लोग हैं, अगर वहाँ पर किसी भी तरह का विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, यानी कि वन मंत्रालय द्वारा घोषित नोटिफिकेशन लागू हो जाता है, वहाँ पर किसी तरह की शराब की दुकानें खुलती हैं, बड़े ऐसे होटल बन जाते हैं जहाँ पे मांसाहार बनेगा या उत्पादित जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, तो उससे जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित भी होंगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचेगी। तो राज्य सरकार को सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि उसको पवित्र स्थल घोषित कर दे। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर कुंडलपुर, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री चौहान साहब गए, उन्होंने वहाँ उस क्षेत्र को भी पवित्र स्थल घोषित किया, उसको शराब मुक्त क्षेत्र घोषित किया, उस जोन के अंदर कोई नॉनवेज की दुकान नहीं खोली जा सकती, वहाँ किसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन मांसाहारी प्रोडक्ट का नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से शिखर जी को सबसे पहला काम झारखंड सरकार को ये करना चाहिए कि जैन जनता और जो अहिंसक समाज है उसकी भावनाओं का ख्याल करे, और जो राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी स्टेटस जैन समाज को मिला है वो एक लीगल वे में बहुत बड़ा एक उपलब्धता है कि संविधान में ऐसी कुछ ताकत अल्पसंख्यकों को दी गई है कि उनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने विचार, अपना साहित्य, अपनी जो उनकी कल्चरल सिक्वेंस है उसको संरक्षित करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। तो अगर जैन समाज का मौलिक अधिकार, यानी कि जो धार्मिक रिलीजियस जो आस्था का केंद्र उनका तीर्थ है, उसके संबंध में सरकार से शिकायत है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उसको अल्पसंख्यक मान्यता वाले
दृष्टिकोण से भी देखते हुए तुरंत नोटिफिकेशन को तो कैंसिल करना चाहिए, उसको पवित्र स्थल घोषित करना चाहिए और इसमें कोई बाधा नहीं है। जी संजय जी, आप जैसे माइनॉरिटी के मुद्दे पर आपने आमरण अनशन किया था जी। और अब जैसे आप जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्ट आप करते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, तो इनमें आपको क्या सहयोग मिलता है इन संगठनों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल मिलता है। देखिए 2013 में जंतर मंतर पर मैंने आमंत्रण किया था और 2014 को हमारी तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उन्होंने बजट जारी किया था मैंने उनकी स्टेटस देने के लिए। और मैं आपको बताऊंगी कुछ ही महीने महाभार हमारे कुंडलपुर का जो केस था बड़े बाबा का, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा क्योंकि जैंस को माइनॉरिटी मिल चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में वो उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और हमें उसका फायदा मिला और हमारी जीत हासिल हुई। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे श्री दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल जी से काफ़ी लंबी चर्चा हुई, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और महासभा से हमें पूर्वक पूरा सहयोग मिलने की आश्वासन है क्योंकि ये विषय पूरे समाज का है, सभी समाज का विषय है और जागरूकता है। सभी लोगों को एक ही चिंता है कि हम किस प्रकार से श्री सम्मेश शिखर जी को बचाएं, उसकी पवित्रता, उसकी स्वतंत्र पहचान को बचाएं। हर्ष जी, आप हमें बताइए कि जब ये गजट आ चुका है तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स हो सकते हैं? जो नोटिफिकेशन आया है तो गवर्नमेंट को अब ये रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जिसके अंदर जैन समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल लेवल पे और जो रीजनल और जो लोकल लेवल पे हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। और जहाँ जहाँ समाज को आपत्ति है कि ये रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, सबसे पहले इस अगर आपकी जो सोच है वही चेंज हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें सॉल्व हो जाएगी। इसको आपको डेवलप करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रिजर्व करना है एज ए रिलीजियस प्लेस, नॉट एज ए टूरिज्म। तो अगर रिलीजियस प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली आज जैन समाज के अगर 100,000 लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर फैसिलिटीज़ होगी तो 200,000 लोग जाएंगे। और जो जैन समाज तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो साधु भगवंत हैं वो बाय बर्थ जैन नहीं थे बट उन्होंने जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया और वो आज आचार्य और बहुत बड़े साधु हैं। तो जो नॉन जैन भी हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो अनेकांतवाद है और जो सारे प्रिंसिपल्स हैं पीस एंड नॉन वायलेंस, तो वो तो कोई भी, इट इज़ ए यूनिवर्सल रिलीजन। इट इज़ नॉट कि भाई हम चार लोग हैं तो हम लोगों का ही इस पर कोई पर्सनल हमारा कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, नहीं, हमारा रिलीजन है इसमें, जो इसकी अच्छाई जो लेना चाहे वो ले सकता है। सो बिल्कुल अगर इस तरीके से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो और इसको वापस से जो भी अमेंडमेंट करने हैं पूरे समाज के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और बेसिक इज़ टूरिज्म एंड रिलीजियस। और जो आपने सही बताया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है नोटिफिकेशन में कि पोल्ट्री के लिए ये रहेगा और फिशरीज़ के लिए ये रहेगा, तो जैनिज़्म इज़ फॉर नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज़्म। सो वहाँ पे अगर आप पोल्ट्री और ये सारी चीज़ें हैं तो वो तो एक स्ट्रिक्ट नो नो है। पूरा जो आज वो एरिया है या ये जो मधुवन जगह है, इट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ जैन एंड जैन टेम्पल्स। सो अगर आप वही हटा दोगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ना तो कोई इकोनॉमी रहेगी, ना कोई कॉमर्स रहेगा, ना कोई टूरिज्म रहेगा। तो जिस वजह से ये है, आपको उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और उस चीज़ को सपोर्ट करना है। अमित जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि अभी हर्ष जी ने कहा कि हमारे बहुत से साधु संत ऐसे थे जो नॉन जैन थे लेकिन उन्होंने जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया और आज उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान समाज में बनाई है। तो आज जो हमारे समाज के युवा हैं वो धार्मिक पचड़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं, बल्कि आगे जाकर उन्हें ही ये धर्म की बागडोर संभालनी है। तो आप ऐसे समय में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज जैन समाज का जो युवा वर्ग है समाज से या धर्म से विमुख है, क्योंकि पूरे देश में मैं भ्रमण करता हूँ और विदेशों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जैन समाज के युवा मेरे संपर्क में हैं कि जो बड़ी एज के जो हमारे जैन समाज के लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। ये हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारियाँ बिजनेस बेस्ड या प्रोफेशनलिज्म या सर्विस के कारण कुछ ज़्यादा अलग तरह की हों, लेकिन अगर मैं अमेरिका का उदाहरण दूं तो वहाँ आज
890 पाठशालाएं वीकली चलती हैं जैन धर्म की, जिसके अंदर 30,000 बच्चे वहां जैन धर्म पढ़ते हैं इंडिया के अंदर। आप बताइए कितनी पाठशालाएं कहां कहां चल रही हैं। लेकिन इसका ये जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, ये भी बात सोचनी है। और ये भी बात सोचनी है कि जैन समाज के जो युवा हैं वो अपने अंदर की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको समाज के साथ जोड़ के क्यों नहीं दिखा पा रहे। उसका एक अहम कारण है कि जो हमारे जैन समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो हमारे जैन समाज की शीर्ष संस्थाओं को संचालित करने वाले लोग हैं, वो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे। होना क्या चाहिए कि जैन समाज के नेताओं को अपने ही समाज के ऐसे युवाओं को जो अलग अलग विषय के स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्टिव एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को उन क्षेत्रों से जोड़ा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और जैन समाज को अवेयर होना चाहिए सम्मेद शिखर जी के लिए। और एक ऐसा केंद्र श्री सम्मेद शिखर जी है कि जिसके प्रति जैन समाज में कोई विवाद नहीं है। थोड़ा बहुत कभी पिछले दिनों में विवाद रहे होंगे, लेकिन आस्था और श्रद्धा के तौर पर अगर देखते हैं तो चाहे उसमें श्वेतांबर समाज हो, दिगंबर समाज हो, स्थानकवासी समाज हो, जो गैर मूर्ति पूजक समाज है, इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन सबका नौकार महामंत्र तीर्थंकर भगवान सभी एक हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी जैन धर्म का ऐसी कोई आमना ऐसी नहीं है कि जो सम्मेद शिखर जी को लेकर के श्रद्धा आस्था नहीं रखती। और अगर कोई सरकारी कदम से चिंता है तो तुरंत उसे जैन समाज की भावनाओं को, यानी कि केंद्र राज्य सरकारों को अविलंब उन चीजों को देखना चाहिए। और जैन समाज का युवा धर्म में, समाज में पूरी तरह जुड़ा हुआ है और जोड़ने के लिए हमारे समाज के नेताओं को आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। संजय जी, जैसे अभी अमित जी ने हमें और राज्यों के बारे में बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सम्मेद शिखर जी का पुरातत्व की दृष्टि से क्या महत्व है। देखिए 1820 में, 1820 से मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इस तरह के प्रमाण हैं कि हमारे इस सम्मेद शिखर जी को पर जो है कलकत्ता से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अफसर्स थे, उन्होंने प्रयास किया कि वहाँ पर हम किसी तरह से कुछ रहने की व्यवस्था बनाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर पारसनाथ हिल और कलकत्ता पास में है, तो 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर का फर्क रहता है। तो अंग्रेज जिस प्रकार से सोचते थे कि हम यहाँ पहाड़ पर कुछ ऐसे रिहाइश बनाए, हमारे लोग रुके, आकर हम रहें, और उन्होंने वहाँ प्रयास भी किया, उन्होंने भवन भी बनाया। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पानी का एक्सट्रैक्ट पानी नहीं है, नेचुरल वाटर मतलब जमीन से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वो उसे नहीं कर पाए। लेकिन इस गजट के अंदर कमर्शियल वाटर एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, एक्सट्रोशन, अगर वो कमर्शियल पानी वहाँ से निकालेंगे तो वो दिक्कतें आएंगी। तो पुरातत्व की दृष्टि से हम कहेंगे कि शिखर जी को मैं तो मानता हूँ कि बहुत पहले तो वहाँ पर शायद ऊपर जिस कैलाश पर्वत की तरह कोई शायद जाता भी ना हो। 49 किलोमीटर का जो रेडियस है, हमारे जैन समाज के लोग शायद उस पूरे पर्वत राज को परिक्रमा कर घर आते हो। लेकिन इस प्रकार के भी वर्णन है कि भगवान महावीर ने जिस प्रकार से श्रीनगर या उधर से लेकर पूरे देश में भ्रमण किया, और निश्चित रूप से वो पारसनाथ टॉप पर भी गए हों, तो शायद उनके उनके इस कार्यकाल इस समय में बाद में लोगों ने जाना शुरू किया हो, या पारसनाथ भगवान से लोगों ने जाना शुरू किया हो। लेकिन इस प्रकार के प्रमाणिक प्रमाण हैं हमारे पास कि वहाँ पर जो है पुरातत्व की दृष्टि से हमारे जितनी भी टोंक हैं या जो भी है वो सब सम्मेद शिखर हमारा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। एक अभी आपने जिक्र किया, एक आपने उल्लेख किया कि स्थानीय प्रशासन का आपने बात की कि वो किस दृष्टि से हमारे उस क्षेत्र को देख रहा है। देखिए मुझे बड़ी चिंता है और बड़ा गंभीर विषय है कि हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, ये उसकी वेबसाइट है ग्रीडी निकिन। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर हमने काम किया तो हमने देखा कि वहां पर वो लिखते हैं कि यहाँ से कोई कहता है कि 24 तीर्थंकर मोक्ष गए, कोई कहता है 9 तीर्थंकर मोक्ष गए। हमने प्रमाण सहित उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जो कि प्रमाणित रूप से गत 200 वर्षों में इस तरह के प्रमाण है, जहाँ लिखा है कि यहाँ से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए। मैं अपने आगम या अपने शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसे सरकार देखती है। तो उन्होंने उस चीज को तो ठीक कर दिया कि यहाँ से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि यहाँ पर कितने तीर्थंकर मोक्ष गए। लेकिन हमारी पीड़ा उससे बड़ी पीड़ा यह है कि वो इसको हमारा जो पारसनाथ है, जो हिल है, उसको पर्यटन स्थल के अंदर उन्होंने प्रचारित किया हुआ है। अब जब आदमी इसको पर्यटन स्थल के रूप में देखेगा, मैं आपको बता दूं, जैसे अमित जी ने भी अभी जिक्र किया था, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी 4400
फीट पर सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ हिल है। ये पारसनाथ पहाड़ी है जो बहुत ही गौरव का विषय है और इसकी तुलना हिमालय पर्वत से की जाती है। तो उस क्षेत्र को अगर आप पर्यटन स्थल की जगह जैन तीर्थ स्थल लिखेंगे, जैसे वैष्णो देवी या अन्य तिरुपति या अन्य तीर्थों को लिखते हैं, तो जो आदमी इसको देखेगा, पढ़ेगा, जाएगा, उसकी मानसिकता उस तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से होगी। जिस प्रकार से अभी देखिए, अभी कुछ 6 महीने पूर्व वहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी गए थे और उन्होंने उसको शाकाहारी क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी, लेकिन वहां पर पर्वत क्षेत्र में शराब के ठेके और मांस भी पकड़ा गया है विजनबरी में। तो अगर राज्य सरकार उसको अहिंसक क्षेत्र घोषित कर देगी, जैन तीर्थ स्थल घोषित कर देगी, और वो केवल पारसनाथ हिल नहीं, हमारी मांग है कि मधुबन क्षेत्र को भी जैन तीर्थ घोषित करें, ताकि जो चीज़ें वहाँ पर जो गैर धार्मिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो मांस बिक्री हो, अंडा बिक्री हो या शराब की बिक्री हो, वो सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और जो बंदरा मार्ग पर अतिक्रमण जिस प्रकार से आज हो गया है, जिस प्रकार से दुकानें खुल रही हैं वहाँ पर, वो सब बंद हो जाएंगी। दूसरी, वहाँ से कीमती लकड़ियाँ चोरी की जा रही हैं, वहाँ पर वन विभाग की चौकी नहीं है। मैं राज्य सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि आप वहाँ पर चेक पोस्ट बनाएं और ड्रोन या वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर्वतराज की सुरक्षा करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रमाणिक रिकॉर्ड हैं, इस तरह की अखबारों में न्यूज़ पब्लिश हुई है कि वहाँ पर 15-20 दिन तक धुआं उठ रहा है। तो ये सब क्या है? आप एक तरफ तो पर्यावरण की बात करते हैं, एक तरफ जो है वहाँ पर कोई चेक पोस्ट नहीं है आपकी। पीछे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 20 दिन पहले की, नीचे कोयले की खुदाई में, कोयले के खदान की वजह से हमारा ये पारसनाथ लगभग 4 फीट नीचे आ गया। ये एक रिपोर्ट है, उससे 20 किलोमीटर दूर गिरिडीह के वहां पर अवैध जो है खदानें चल रही हैं, जिसकी वजह से कोयला अवैध रूप से निकालने से पर्वतराज खिसक जाता है, नीचे की ओर जा रहा है। तो हमारे अगर पर्वतराज को बचाना है तो उसके, अगर आप एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, एक तरफ उसको फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, दूसरी तरफ आप उसकी रक्षा नहीं करते हैं, वहां कोई चेक पोस्ट नहीं है, तो वहां ड्रोन के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए आप उसको आग बुझाने की व्यवस्था करें, वहां पर नजर रखें कि वहां पर अवैध कटाई ना हो, अवैध पत्थर का खनन ना हो, और ये महुआ चुनने वाले लोग अगर चुनते भी हैं तो वो आग ना लगाएं, पर्वतराज को या पेड़ों को नुकसान ना। संजय जी, जैसे आपने अभी तक इतना काम किया, जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट किए हैं, आमरण अनशन आपने किया है, तो अब शिखर जी मुद्दे पर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये विषय बहुत ही गंभीर है और श्री सम्मेलन शिखर के बाद हमारे पूरे सकल जैन समाज के पास कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जिस प्रकार से वो सिद्ध तीर्थ है। हमें किसी भी तरीके से, अपने किसी भी प्रयास से, इस श्री सम्मेलन शिखर की जो स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व और पवित्रता को बचाना है। उसको बचाने के लिए हम सकल जैन समाज के साथ, समस्त जैन समाज को जगाते हुए, अपने साथ लेते हुए 6 जून 2022 से हमने पहले भी सरकार को निवेदन किया, सांकेतिक रूप से हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन अब 6 जून 2022 से हम देशव्यापी आंदोलन आरंभ करेंगे, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध सभा है, अनशन है, अपने समाज में मीटिंग्स करके या सरकार को ज्ञापन देके हम लोग जगाएंगे। और जिस प्रकार से भी हर्षी ने भी सुझाव दिया हमें, अगर फिर भी मैं वैसे तो मुझे पूरी आशा है कि केंद्र सरकार हमारी बात मानेगी, जैन समाज की भावनाओं को समझेगी और इस गजट को अविलंब रद्द करें। मेरा निवेदन तो है कि आप इसको अविलंब रद्द करें। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन लाना भी है तो आप एक फ्रेश तरीके से आए और पूरे हमारे क्षेत्र को संरक्षित करें। समाज सरकार के साथ है और मैं आशा करता हूं कि सरकार भी समाज के साथ होगी, लेकिन जब तक ये गजट नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, जैन समाज का बच्चा बच्चा शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि अब वो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन अपने श्री सम्मेलन शिखर जी के स्वतंत्र पहचान और पवित्रता के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो यही मेरा निवेदन सकल जैन समाज, समस्त संत समाज और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया ये चिंता करें, हमारे श्री सम्मेलन शिखर को बचाने में हम सबका सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटियां जागृत हों, सरकार से बात करें और इस गजट नोटिफिकेशन को अविलंब रद्द करें। जय जिनेंद्र। तो देखा आपने, सम्मेलन शिखर जी को लेकर संपूर्ण जैन समाज में चिंता व्याप्त है, पहले गिरनार जी और अब सम्मेलन शिखर जी। हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि एक समस्या जाती नहीं, दूजी मुंह बाएं खड़ी हुई है। हमें अपनी धरोहरों को बचाना है,
हमारी धरोहरें हमें पूर्वजों ने दी हैं और अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए हमें उन्हें सहेज कर रखना होगा। जब धर्म नहीं बचेगा तो आगे क्या बचेगा। इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपने विचार रखे। बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे, अपना समेत शिखर जी लेकर रहेंगे। जय जिनेंद्र।